ये न्यूयॉर्क आइजनहावर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ पर पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान एक बहुत ही टूर्नामेंट का अहम और क्रूशियल मैच होने जा रहा है। टीम पाकिस्तान के लिए ये मस्ट विन मैच है। ये शायद अफरीदी जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर मुकर्रर हुए हैं वो भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी शायद टीम क्रिकेट को देखकर उनका जज्बा एक बेदनी है। तो इस वक्त मैच शुरू होने से पहले एक जो रवायत है कि दोनों टीमें जो है वो मैदान में उतरने से पहले उन टीमों के जो कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने अपने मुल्क का झंडा लेकर ग्राउंड में आते हैं, उस फ्लैग को प्रेज किया जाता है और उसे डिस्प्ले किया जाता है। बहुत बड़ा ये फ्लैग है पाकिस्तान का, कनाडा का। ये सामने जो इस वक्त आपको तो नजर आ रहा है जो ये मंदिर है जो पाकिस्तान और कनाडा का फ्लैग है उसको डिस्प्ले किया जा रहा है। दरमियान में आईसीसी का फ्लैग है और ये पाकिस्तानी क्रिकेट है जो अपनी टीम को सपोर्ट करने आए हैं। बड़ी तादाद में कनाडा से लोग भी आज यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी कनाडा की टीम को सपोर्ट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका क्योंकि दोनों नेबर कंट्रीज हैं, तो बहुत से लोग वहाँ से ड्राइव करके फ्लाई करके न्यूयॉर्क में आए हैं। और न्यूयॉर्क में ये जो स्टेडियम आप देख रहे हैं इसका नाम नेशनल काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। ये स्टेडियम खासतौर पर इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए बनाया गया और अमेरिका की तारीख में ये पहला आईसीसी का जो वर्ल्ड कप है वो अमेरिका की तारीख में पहली बार हो रहा है, जिसमें जो 55 मैच में से 16 मैच अमेरिका में हो रहे हैं और 16 में से 8 मैच जो है वो न्यूयॉर्क में है। सो आज पाकिस्तान टीम का इस टूर्नामेंट का तीसरा मैच है और तीसरा मैच जो है वो हमारी टीम जो है वो कनाडा के खिलाफ आज मैच खेल रही है। सो पहले टीम यूएस है और उसके बाद इंडिया के खिलाफ जो मैच में परफॉर्मेंसेज जो थी टीम की उन परफॉर्मेंसेज के बावजूद लोग यहाँ पर आज आए हैं। पाकिस्तानी बड़ी तादाद में आए हैं, हजारों की तादाद में मैं कह सकता हूँ, लेकिन चूंकि स्टेडियम की कैपेसिटी बहुत बड़ी है इसलिए आपको वो जो तादाद है बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही इतनी, लेकिन चूँकि लोग मुख्तलिफ बड़े स्टेडियम में मुख्तलिफ पेविलियंस में बैठे हैं मुख्तलिफ अपने। अभी ये आप पहले कनाडा का और फिर पाकिस्तान का कौमी तराना जो है यहाँ पर बजाया जाएगा और गाया जाएगा। ये कनाडा का तराना है जो आप सुन रहे हैं कनाडा। ये जैन है, जैन स्पेशली टोरंटो से आए हैं मैच देखने के लिए। पाकिस्तानी कैनेडियन इमिग्रेंट है, ये अपनी टीम को भी सपोर्ट कर रहे हैं, टीम कनाडा को भी सपोर्ट कर रहे हैं। कनाडा का झंडा आपको नजर आ रहा है ग्राउंड में, कनाडा के साथ क्रिकेट पाकिस्तान का झंडा भी लेके आए हैं और पाकिस्तान
اپنے شائقین جو ساتھ اپنے پلے کارڈ لے کر آئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دل دل پاکستان اور یہ نسیم شاہ جن کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کی بہت زیادہ ہمدردی ہے. تو نسیم شاہ جی آپ کو یہ نسیم شاہ نظر آ رہے ہیں, نسیم شاہ کے فینس اور سپورٹرز نظر آ رہے ہیں. اور اب یہ ہم سنیں گے پاکستان کا قومی ترانہ. پاکستان کا قومی ترانہ سن رہے ہیں اور یہ جو شائقین کرکٹ ہیں اپنے ساتھ پاکستان کے پرچم لے کر آئے ہیں, پاکستان کی گرین شرٹ میں ٹیم کی پاکستان کرکٹ ٹیم کی شرٹ پہن کر بڑی تعداد میں لائے اور ٹونٹی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں, بہت زیادہ دعائیں بھی ہیں ٹیم کے ساتھ. اور اب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جو صورتحال ہے پاکستان کی نیکسٹ راؤنڈ میں کوالیفائی کرنے کی, وہ ایپس اینڈ بٹس کی صورتحال پھر پیدا ہو گئی ہے. تو پاکستان ٹیم کو دونوں میچز مسٹ ون کرنے ہوں گے اور ایک اچھی لیڈ کے ساتھ ون کرنے ہوں گے. تو دوسری جانب جو باقی دو ٹیم ہیں ان کو میچز کرنے ہوں گے. سو بہت سارے ایپس اینڈ بٹس ہیں, لیٹس سی. لیکن بہرحال جو کھیل ہے اس میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے, اٹس ناٹ دا اینڈ آف دی ورلڈ. تو کھیل کو انجوائے کرنا چاہیے اور بڑی اسپورٹس مین اسپرٹ کا. سیرمنی اور نیشنل سیرمنی مکمل ہو گئی ہے اور کچھ دیر کے بعد میچ شروع ہونے والا ہے, اس کے بارے میں ہم آپ کو خصوصی اپڈیٹ کریں گے. میرے پیچھے آپ کو اسکرین پہ اگر نظر آ رہا ہو تو ایک ہیلی کاپٹر فلائٹ آ رہا ہے. یہ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ خصوصی طور پر سیکورٹی کے جو انتظامات کیے گئے ان میں سے ایک انتظام سیکورٹی ہے. یہ ہیلی کاپٹر جو ہے مزاق کی نگرانی کر رہا ہے اور ہر طرح سے اس ویلیو کو سیکور بنانے کے لیے ایک اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں. سو بیسٹ وشز فار ٹیم پاکستان اینڈ تھینک یو سو مچ. موسم ذہی نیو یارک.